क्या कोई आदमी चाय बेचकर 4 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर सकता है, और वो भी ऐसा आदमी जो कैट की एग्जाम देकर IIM के सपने देखता हो। मैं बात कर रही हूँ द फेमस एंड वायरल बॉय MBA चाय वाला की। आज ये लड़का IG के रील से लेकर WhatsApp के स्टेटस तक बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके एक स्ट्रगल ने 4 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी बना डाली। आइए जानते हैं, चाय एक ऐसी चीज है जो पूरा इंडिया पसंद करता है, और इंडिया में ना जाने कितने लोग चाय की टपरी लगाते हैं। लेकिन प्रफुल्ल बिलोरी उर्फ MBA चाय वाला ने ऐसा क्या किया कि वो इतना ज्यादा फेमस हो गया है। चलो तो देखते हैं कैसे ये 24 साल का लड़का चाय बेचकर करोड़पति बन चुका है। ये कहानी शुरू होती है MP के एक छोटे से गांव से। 4 साल पहले प्रफुल्ल बिलोरी ने मध्य प्रदेश के किसी छोटे से कॉलेज से BCom कंप्लीट किया था, और हर एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह उसे भी एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब चाहिए थी, और उसके लिए उसे अच्छे कॉलेज से MBA करना बहुत ज्यादा जरूरी था। प्रफुल्ल को IIM अहमदाबाद में MBA के लिए एडमिशन चाहिए था, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत कर कैट की एग्जाम दी थी, और वो भी एक बार नहीं बहुत बार। लेकिन फिर भी प्रफुल्ल ये एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाया, तो 2017 में उसने MBA का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और प्रफुल्ल को इस बात की भनक भी नहीं थी कि ये MBA शब्द उसको पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देगा। अब MBA नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए उसने छोटे मोटे होटल्स में, यहाँ तक कि मैकडोनल्ड्स में भी काम किया था। जब वो मैकडोनल्ड्स में काम करता था तब प्रफुल्ल को 1 घंटे का कुछ 200 रुपए मिलता था, लेकिन मैकडोनल्ड्स में काम करने से उसको कस्टमर्स कैसे हैंडल करते हैं इसका पूरा एक्सपीरियंस आ चुका था। पर मैकडोनल्ड्स से उसे महीने के कुछ 6,000 ही मिलते थे, एंड दैट वाज नॉट इनफ। इसके बाद MBA चाय वाला भारत के अलग अलग शहरों में घूमने लगा, चीजों को एक्सप्लोर करने लगा। लेकिन सब जगह घूमने के बाद उसे अहमदाबाद ही बहुत पसंद आया, और उसने सोचा कि अहमदाबाद में ही रहकर कुछ अपना बिजनेस चालू करते हैं। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, बिजनेस छोटा हो या बड़ा लेकिन अपना होना चाहिए। उसने पहले कैफे ओपन करने का सोचा था, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत लगती थी, इसीलिए फिर उसने कैफे का आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर इस आदमी ने सोचा कि क्यों ना चाय की टपरी से शुरुआत करते हैं। अब ये ऐसा काम था जिसके लिए गट्स चाहिए। प्रफुल्ल ने अपने पिताजी से पढ़ाई के नाम पर 8,000 रुपए लेकर चाय की एक टपरी चालू कर दी, और अपनी इस चाय की टपरी का नाम रख दिया MBA चाय वाला। अब MBA चाय वाला यानी आप यही सोच रहे हो ना कि MBA की डिग्री के नाम से रखा होगा, जी नहीं, इसका मतलब कुछ और ही है, और वो क्या है वो मैं आपको वीडियो एंड होने से पहले बता दूंगी। लेकिन उससे पहले 8,000 से 4 करोड़ की जर्नी सुनकर आप भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो, तो अब ध्यान से वीडियो देखना। टपरी पर चाय बेचना, वो भी कड़कती धूप में, कोई आसान चीज नहीं है। और प्रफुल्ल को अच्छे से पता था कि अगर उसे अपना बिजनेस सक्सेसफुल करना है तो उसे कुछ यूनिक करना होगा जो कि बाकी चाय वाले ना करते हो। इसलिए प्रफुल्ल ने ऐसी चाय बेचना चालू किया जो कि अभी तक कोई नहीं बेच रहा था। MBA चाय वाला की चाय प्लास्टिक में नहीं बल्कि मटके में दी जाती थी, और वो भी एक टोस्ट और टिश्यू के साथ, एकदम सोफिस्टिकेटेड, और ये सब सिर्फ 30 रुपए में मिलता था जो कि एकदम अफोर्डेबल है। और प्रफुल्ल का लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका भी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। अरे वो लोगों से इंग्लिश में भी बात करता था, और इंडियन मेंटालिटी के अकॉर्डिंग फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोगों का इम्प्रेशन ही अलग पड़ता है ना। अब जरा सोचो, एक चाय वाला जो इंग्लिश बोलता हो, अरे आप भी उसे आके फाड़ फाड़ कर देखोगे। अब MBA चाय वाला ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, इतनी कि वो महीने के ही 10,000 से 11,000 कप चाय बेच रहा था। लेकिन फिर भी उसकी फैमिली को खबर भी नहीं थी कि उनका बेटा चाय बेच रहा है। अब जो लड़का किसी टिपिकल इंडियन फैमिली में बिलोंग करता हो और वो भी MBA परस्यू करने वाला हो, वो चाय की टपरी खोल दे, ये तो एक टिपिकल इंडियन फैमिली के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है, क्योंकि ऑब्वियस है लोग मजाक उड़ाते हैं, दोस्त हंसते हैं। लेकिन फिर भी ये लड़का अपने काम पर डटा रहा। प्रफुल्ल डे बाय डे बहुत ज्यादा फेमस होने लगा था, जिसे देखकर आसपास के चाय वाले बहुत ज्यादा जेलस हो रहे थे। इसके लिए उन्होंने गुंडे और पुलिस को बुलाकर MBA चाय वाला का स्टॉल हटाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी ये बंदा डरा नहीं। उसने वहां से अपना स्टॉल हटाकर दूसरी जगह लगा दिया, और उसने अपने स्टॉल में एक छोटी सी स्पेस भी बनाई थी जहां लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर और प्रोफेशन लिख सके, ताकि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हो उसे उनकी हेल्प हो। ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी, और उनकी यही स्ट्रैटेजी उसे बाकियों से यूनिक बनाती थी। MBA चाय वाला ने वैलेंटाइन डे पर सिंगल लोगों को फ्री चाय भी बांटी थी, जिसकी वजह से उसने बहुत अटेंशन गेन कर ली थी। थोड़े सालों में MBA चाय वाला के इंडिया में कई कैफे चेन्स खुल गई,
ये बंदा इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि उसे कई बड़े बड़े इवेंट्स में भी बुलाया जाता था। 4 साल में उसने 200 से भी ज्यादा इवेंट्स में अपनी चाय सर्व की है। प्रफुल जिस कॉलेज में MBA करना चाहता था, आज वही कॉलेज प्रफुल को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताने के लिए बुलाते हैं। आज MBA चाय वाले का टर्नओवर 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और ये बंदा सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। और हाँ, MBA चाय वाला यानी MBA की डिग्री वाला नहीं, MBA चाय वाला यानी मिस्टर बिलोरी अहमदाबाद चाय वाला है। तो ये थी कहानी द फेमस MBA चाय वाला की। आप अगली स्टोरी किस फेमस सक्सेसफुल पर्सन के बारे में जानना चाहते हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।